के प्रेसिडेंट तिवारी जी, एनएफडीसी के बैकबोन वैस जी, अमर जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिताजी को याद किया, क्योंकि जो समझदार होंगे वही नवेंदु घोष जी पिताजी को समझेंगे। हर कलाकार, जो असली कलाकार होते हैं, वो अपने वजूद को कभी नहीं छोड़ते, नहीं तो बाकी लोग देखेंगे आप जिधर हवा जाए उधर हिल जाते हैं कि जमाना इधर चलता मैं भी चलूं। लेकिन कलाकार का ड्यूटी होता है कि हम कुछ अच्छा चीज़ देंगे समाज को। जो पिताजी ने दिया, उन्होंने साहित्य को लाए फिल्मों में, क्योंकि एकमात्र जो फिल्म जो माध्यम है पूरा दुनिया उसका अनुकरण करता है। इस माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वो भी फिल्मों की डायलॉग से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, तो आप समझिए कि फिल्म का कितनी बड़ी दायित्व है जो उन्होंने बखूबी निभाए हैं। आप लोग जानते हैं कि बंदिनी एक अमर फिल्म है जिसका एंड सभी लोग चाहते थे कि खूबसूरत नौजवान धर्मेंद्र के साथ हो नूतन जो नायिका की मिलन, लेकिन वो नहीं किए वो काम, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा कलम जो है वो ईश्वर का कलम है, हम जस्टिस करेंगे, वो अशोक कुमार की प्रेम की बंदिनी है, वो धर्मेंद्र के प्रेम की बंदिनी नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर लोग में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो फिल्म जो आज हम थोड़ा सा जो देखते हैं कि वो नहीं हम देख पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएगा पिताजी को। जब मैं तो बहू बन के आई थी, मैंने देखा उनका डिसिप्लिन, वो धोती कुर्ता, उसको फिल्म लाइन एक चमक दमक लाइन है हाँ, लेकिन उन्होंने अपने धोती को कभी नहीं छोड़ा, वही कुर्ता धोती पहन के उन्होंने फिल्म के बड़े बड़े फिल्म लिखे, बड़े बड़े पार्टी में गए। ये भी एक सीखने वाली बात है, डिसिप्लिन, सुबह उठ के कीर्तन करते हुए अपना कलम ले। चाहे हमारे जो ससुराल में देखा है जॉइंट फैमिली, और कहीं भी हमारी सास की जो थी गांव से, जो लोगों को ला ला के घर पे, प्लास्टिक घर कहा जाता था, सबको बना के सबको नौकरी देके, लेकिन मैंने आश्चर्य हो गई जब मैं बहू बन के आई कि वो सबके बीच में बैठ के भी लिख रहे हैं, कोई डिस्टर्ब है। आजकल बच्चों को कितना चाहिए प्राइवेसी चाहिए, स्पेस चाहिए, कितनी कुछ चाहिए, उनको मैंने ये नहीं देखा। आसपास कितनी लोग बातें कर रहे लेकिन वो लिखते ही जा रहे हैं। अब 25 साल उनका FTI से संपर्क रहा, वो प्रोफेसर है, विजिटिंग प्रोफेसर रहे पुना फिल्म इंस्टीट्यूट के, वहाँ से उनको ऑनरिस कॉजा मिला, ये उपाधि से विभूषित किया गया। कभी भी उनका मन में कोई अहंकार नहीं देखा इसके लिए, बड़ा ज़मीन से। और कभी भी हमारे कोई गेस्ट आते थे, मेरे कोई अकम्पनिस्ट आते थे, तो वो पानी और मिठाई लेके बाहर चले आते थे, इतने निरहंकारी, इतना एक मिट्टी से जुड़ के रहना, इतने काम करने के बावजूद भी हम उनको हमेशा याद करते हैं। कि एक बात अगर मैं कहूँ, उन्होंने मन में सोचा था कि मैं एक डायरेक्शन करूँगा, दो फिल्म शुरू हुई लेकिन खत्म नहीं हो पाई, तो फिर NFDC में उन्होंने अपना स्क्रिप्ट कमेटी से बोला कि इस साल मैं खुद अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मुझे कमेटी से एक साल के लिए छोड़ दीजिए। और फिर उन्होंने अप्लाई किया, त्रिशाग्नि फिल्म की नाम थी, नाना पाटेकर, आलोक नाथ, नीतीश भारद्वाज, पल्लवी जोशी, इनके साथ वो फिल्म बनी। तब उनका उम्र था 72 की एज में वो रेगिस्तान में जाके शूटिंग को कंप्लीट करके उनको दो नेशनल अवार्ड्स मिले। देखिए, स्क्रिप्ट डायरेक्शन से भी कठिन चीज है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट होती है एक फिल्म की बैकबोन, उसके बावजूद भी वो नाम नहीं मिलता है जो एक डायरेक्टर को मिल जाता है, नहीं सही बात है। इसलिए उनका एक पैशन था कि हम डायरेक्टर बनेंगे और वो बन के दिखाएं इस चीज को। अमर जी कुछ आप करना चाहेंगे? हाँ, ये याद करेंगे म्यूजिकली। नहीं, मैं तो पहले उसी बात पे जाना चाहूंगा कि जनरल चलता है कि यहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है, माँ पूरे 9 महीने उसे पालती है अपने पेट में, और नाम किसका आता है? बाप का।
बेटा अपने नाम के आगे बाप का नाम जोड़ता है। तो नुबेंदु घोष जी को कोई नाम नहीं मिला। मैं कहता हूं मैं खुद नहीं जानता था कि उन्होंने लिखी है फिल्म। तो ये एक तरीका जो है कि डायरेक्टर हीरो बस इनका ही नाम होता है, जैसे गाना रिकॉर्ड होता है। तो किसने गाया? लता जी ने गाया। मैं उस गाने को बनाते वक्त कितनी तकलीफ हुई है, कैसे कैसे सोच आया दिमाग में, पहले तो फिल्म कैसे मिली, फिल्म के ऊपर काम कैसे करे, फिर राइटर आता है, फिर बनते ही बाकायदे एक बच्चे को बड़ा करने वाली बात होती है वही, मगर फिर बाप का नाम लग जाता है। तो इस बात से दुख है कि परख बंदिनी और सुजाता ये सब फिल्में हमारे बचपन में देखे हुए फिल्में हैं। देवदास तक, देवदास क्या देवदास बनी थी साहब, क्या स्क्रिप्ट है वो, अभिमान ऐसा अभिमान तो लेटेस्ट फिल्म थी बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं भी उस वक्त कुछ 18-19 साल का था जब वो फिल्म के गाने रिकॉर्ड हुए थे ब्रह्मदा के। आज भी याद है उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शायद सुशीला कामत ने। सुशीला कामत दुख की बात है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट डायरेक्टर आज के तारीख में इनका ही नाम होता है बस, बाकी जो क्या स्क्रीन के पीछे जो है कैमरा मैन है, स्क्रिप्ट राइटर मतलब उस बच्चे को बड़ा करना है, एक एक सीन कहां से जाए सीमलेस। आप उनके को पहले की फिल्म देखे ना, कहीं जॉइंट नजर नहीं आता। अभी तो ऐसे कि आप अचानक आप दही कड़ी खा रहे, अचानक चाइनीज खा रहे, चल भैया अच्छा लग रहा तो ये भी खा ले, अचानक पंजाबी समोसा खा रहे, मेल नहीं है किसी चीज का। ठीक है चीजें चलती है, ये अलग बात है, तकदीर की बात है सब। ये तकदीर वाले लोग नहीं थे, ये कलाकार थे सच्चे दिल से, बहुत ऊंचे कलाकार थे मेरे हिसाब से। ऐसे कलाकार हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए। इनके बारे में ज्यादा कहेंगे तो हम तो बच्चे उनके लिए, क्योंकि जो उन्होंने काम किया हम तो सोच भी नहीं सकते साहब, सपने में बस उसको देख के अगर कुछ सीख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अभी ये लोग और एक काम किए हैं कि जिस भवन के बच्चों को मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनके कुछ कॉम्पिटिशन रखे हैं, इसी तरह से हमको अगले जनरेशन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो, डायरेक्शन सीखो, म्यूजिक सीखो। आज सीखना तो कुछ है ही नहीं साहब, हर कंपाउंडर डॉक्टर बन के बैठा। दिस इज अ फैक्ट। और गए 52 इयर्स से मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ तकदीर चलता है साहब। जो आदमी कलाकार है वो जैसे कोना पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे मुझे डायरेक्टर्स देखे हैं हमने कोना पकड़ के बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं सर इसने क्या अपने जगह इसमें बच्चों को पहले से स्क्रिप्ट दी गई है लिखने के लिए। जो मास कम्युनिकेशन वहाँ करते हैं उनकी स्क्रिप्ट को कुछ चंद जजेस मिलकर के चेक करेंगे, जो फाइनल अच्छे होंगे उनको अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड की कुछ राशि भी तय की गई है, उनके सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सबके साइन होंगे उसमें इस तरह से। और वहाँ पर उदित नारायण जैसा म्यूजिक सिंगर और शान कई लोगों को बुलाया गया है, लोग उसमें आ रहे हैं क्योंकि एक चैरिटेबल प्रोग्राम की तरह है। लोगों को साहस उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, बच्चों को उनके अंदर लगे कि यार फिल्म वाले जिनके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखी जाती है उनके बीच में मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, इसलिए इस तरह से हम लोग। और इसके बाद इसको याद किया जाएगा, मुकुल नाम को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जो जिसे भूल गए थे उसे याद कराएंगे हम। हमारा मकसद एक ही है कि उन चंद अच्छे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री को बैकबोन की तरह सहारा दिया है उन्हें जो भूल गए हैं, नई पीढ़ी नहीं याद है, उनको बताया जाए। बहुत सी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं, उनकी लिखी हुई हर चीज़ हमारे लिए धरोहर है, उसके हम लोग वारिस हैं। यदि कोई उसमें काम करना चाहता है उससे उसके डायलॉग, उसके सीन, उनके लिखने के तरीके, तमाम अभाव के बाद उन्होंने जो माइलस्टोन बनाया है उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। वहाँ पर उस प्रोग्राम में आप सबको इन्विटेशन हमारी तरफ से होगा, आपको बुला रहे हैं। लोगों तक पहुंचे, जन 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 तक हमारी बात पहुंचे, फ्री एंट्री। हाँ, कि वो मुकुल जी क्या थे, नवेंदु घोष कौन थे, कितने बड़े कलाकार थे, और उससे हम सीखें, उनकी सारी चीजें हम फिर से देखें करें।
सुना दी क्या आपकी खूबसूरत आवाज को भी हम इस कॉन्सर्ट में कहीं अगर सुन पाए? जरूर थोड़ा तो गाऊंगी जरूर। गाना ही पड़ेगा अमर जी गवाएंगे हमें। सुना दी आज जाने की जिद कर रही है। आज जाने की जिद ना करो। मैं तो कभी भी जाने की जिद नहीं करती। मैं बल्कि अपने श्रोताओं को बोलती हूँ कि आज जाने की जिद ना करो। एक लाइन हो ही जाए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, आपके लिए खास करके क्योंकि आप है तो हाँ आप लोग पत्रकार है कलम है तभी तो हम फनकार को लोग मानेंगे ना। ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलों में बैठे रहो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की सिद्ध ना करो। क्या हुआ?